हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया चंक्स की सब्जी, जिसको सोयाबीन की बढ़िया भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए लेंगे न्यूट्रिला सोया चंक्स, जिसको सोयाबीन की बढ़िया कहते हैं। ये 100% वेजिटेरियन होती है और ये बड़ा वाला साइज लेंगे। ये देख लीजिए, मैंने एक बाउल सोयाबीन की बढ़िया ली है, बड़े वाले साइज की। कुकिंग ऑयल, एक प्याज, दो टमाटर को रफली चॉप किया है, आधी कटोरी दही, थोड़ी सी मलाई, फ्रेश मलाई दूध की, थोड़ा सा जीरा, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, दो छोटी इलायची, एक तेज पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, दो हरी मिर्च को मैंने ऐसे लंबे लंबे काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा अदरक, 10-12 लहसुन की कलियां और हाफ चम्मच गरम मसाला। मैंने गैस पे बर्तन रखा है, उसमें पानी गर्म होने के लिए, ये पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल देखिए इतना सा, 1/4 चम्मच नमक, एक चम्मच कुकिंग ऑयल, इसमें सोया चंक्स डालेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होते हुए। जब तक ये बॉयल होते हैं, आइए हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए ली है, ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, कटे हुए टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, दो हरी मिर्च डालेंगे, दो हम तड़के में डालने के लिए रख लेंगे, और गार्लिक, इनको मिक्सी में चला के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी सोयाबीन की बढ़िया बॉयल होते 5 मिनट हो गए हैं। आप अब चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर ली है, पक चुकी है अच्छे से, और इनको पानी से, ठंडे पानी से अच्छे से धोना है ताकि एकदम साफ हो जाए, स्टार्च निकल जाए इसका, और दबा के एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल देना है। और ये देखिए मैंने मिक्सी में इसका अच्छे से टमाटर और प्याज का, अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो गया है, इस तरह से मैंने पीस के रख लिया है इसको। मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे सोया चंक्स, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और निचोड़ लेना दबा के। अब इसको हम 5 मिनट में सौते करेंगे। सोयाबीन खाना हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है, और ये जिस तरह से हम सब्जी बना रहे हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग जरूर ट्राई करें। जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए ये रोस्ट होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का लालीपन पे आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा ये सोयाबीन की बढ़िया रोस्ट हो चुकी है। अब हम पहले करेंगे गैस बंद, और एक मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे दही। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, और बाकी के मसाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे, ग्रेवी में डालेंगे, और इसको हिला के अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई रख दी है, एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, आप जो भी ऑयल खाते हो वो यूज कर लेना। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दालचीनी, इलायची, एक तेज पत्ता, काली मिर्च और जीरा। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अच्छा कलर लाने के लिए मैं थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ, अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
डालोगे तो इससे सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। उसमें जो मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी वो भी डालेंगे। उसे लगातार चलाते हुए 5 से 10 मिनट पका लेंगे। देखिए टमाटर का मसाला तैयार होते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला और फ्रेश मलाई। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे घर में सबको प्याज लहसुन पसंद है इसलिए मैंने इसमें प्याज लहसुन मिलाया है। सोयाबीन की सब्जी कुछ डिफरेंट है, आप लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगी। ये देखिए मलाई भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इस मिलाएंगे सोया चंक्स, इसको भी मैरिनेट करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके थे। अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट हम ढक्कन लगा के फिर से पकाएंगे। देखिए इसको बनते हुए 5 से 10 मिनट हो गए, तेल भी छोड़ दिया है। ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है और टेस्टी भी बहुत, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है सोयाबीन की वड़ियाँ। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। हमारी सब्जी तैयार है। आपको मेरी बनाई हुई सोयाबीन की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेल बटन के साथ, ताकि मैं जब नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।